हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत। टेक ज्ञान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे लाइफ के बिंड 2 मोबाइल का, जिसका डिस्प्ले है 6 इंचेस और साथ ही साथ इसका बैक कैमरा है 8 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा है 2 मेगापिक्सल। नीचे इसमें 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, डुअल स्पीकर्स, मगर बोलता केवल एक ही है, सिंगल स्पीकर ही बोलेगा, क्योंकि सिंगल स्पीकर ही है। डुअल तो केवल मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक जाली दे रखी है इधर साइड में, केवल ऐसे ही ये वाला स्पीकर है और यहीं पे माइक है। मिनी यूएसबी पोर्ट चार्जिंग भी मिल जाता है आपको, 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है ऊपर आपको, और साथ ही साथ इस तरफ आपको पावर ऑन ऑफ स्विच ऊपर और नीचे वॉल्यूम अप डाउन की भी मिल जाती है। साइड में ये मेटेलिक फिनिशिंग दी हुई है, ये सारा मेटेलिक फिनिशिंग है। और यहाँ पर आपको सिम जैक भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको नीचे मेमोरी कार्ड स्लॉट या फिर नैनो सिम और ऊपर सिम कार्ड का माइक्रो सिम और ऊपर केवल माइक्रो सिम ही है ऊपर स्लॉट, माइक्रो सिम कार्ड का स्लॉट ऊपर वाला है और नीचे वाला स्लॉट है नैनो सिम कार्ड या फिर माइक्रो एसडी कार्ड का। ये डुअल हाइब्रिड फ़ोन है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये कैमरा है इस तरफ, यहाँ पर ये इसका स्पीकर। साथ ही साथ इसमें कोई भी बैक की या फिर कोई भी होम की वगैरह किस तरीके की कोई भी की नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्प्ले पर आती हैं, डिस्प्ले पर ही आएंगी सारी चीज़ें इसकी। दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, वरना चलिए थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस देख लीजिएगा इसके। मैं पता नहीं क्या क्या खोल दिया है मैंने इसमें, सबसे वापस आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैंने एक साइट खोली थी, गैजेट 360, काफ़ी अच्छी साइट है। और यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं कि क्या है। वैसे तो मुझे पता है इसमें स्क्रीन साइज इसका 6 इंच है, 720x1280 इसका पिक्सल्स हैं, इसके HD डिस्प्ले है इसमें लगी हुई, और साथ ही साथ इसमें 16 GB की स्टोरेज है। क्लियर नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। 1 GHz का प्रोसेसर है इसका, क्वाड कोर का आपका प्रोसेसर भी बिल्कुल सड़ा हुआ है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है 1 GHz क्वाड कोर। 2 GB की रैम जरूर दे रखी है, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, 2 GB इतना ज़्यादा भी नहीं होता। 8 MP यहाँ लिखा हुआ है, मगर 8 MP काम नहीं करता कभी भी फ़ोन में, 6 MP काम करता है। 2 MP लिखा हुआ है फ्रंट BGA है, सच्चाई में आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ, सच्चाई यही है कि फ्रंट BGA इसका। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसका 5.1 है, वो तो है, कुछ फ़ायदा नहीं है उससे। 2850 mAh की बैटरी दे रखी है, फिर भी एक दिन ही चलती है केवल, कोई फ़ायदा नहीं है उससे भी। फिलहाल टोटल में जो अगर कुल मिलाकर इसकी बात करूं तो आपका फ़ोन मेरा वैसे तो सही चल रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मगर अगर Xiaomi Redmi Note की बात करूँ और उसके मुकाबले अगर इसकी बात करूँ, Note 3 की बात करूँ, तो उसके मुकाबले ये फ़ोन बिल्कुल ही बेकार कचड़ा फ़ोन है। इसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ही सही है इसके मुकाबले, जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है उसका कैमरा। और मैं आपको कुछ क्लिक्स उसकी फ़ोटोज़ की वो भी दिखा देता हूँ। और आज तक जो आपने वीडियोस और मेरे चैनल पर देखी हैं वो सारी उसी कैमरे की रिकॉर्ड की हुई हैं, लाइफ के कैमरे की ही हैं। साथ ही साथ मैंने पीछे से आपको नहीं दिखाया था, अभी पीछे से भी दिखा देता हूँ। पीछे ये कैमरा 8 MP का इसमें बताते हैं, लेकिन शायद 6 MP है मेरे, क्योंकि मैं सेटिंग में जब भी जाता हूँ तो वहाँ 6 MP से ऊपर की कोई सेटिंग नहीं दिखाता। और ये फ्लैश है इसमें, डुअल LED फ्लैश है, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं है, एक ही फ्लैश लगती है मुझे तो, कि बीच में एक ही फ्लैश है यहाँ पर दी हुई, कोई ऐसी चीज़ इन्हें डबल नहीं बनाई। ये छोटा सा लाइफ का लोगो मिल जाता है आपको। ये मैंने लगाया हुआ है SP सिद्धांत पाठक अलग से, आप भी इस तरीके का लगा सकते हैं, स्टिकर मार्केट में अवेलेबल हैं। और यहाँ पर इनका थोड़ा सा डिक्लेरेशन मिल जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, और कुछ भी ऐसा इसमें खास नहीं है। साथ ही साथ ये मैंने तब लिया था जब Jio का सिम लाइफ के साथ ही मिल रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।